नमस्कार दोस्तों। दोस्तों रात को पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह उठने पर थकान और कमजोरी महसूस होना गंभीर विषय नहीं है। हाँ, अगर ये समस्या लगातार रहती है तो इसे गंभीरता से लेने की जरूरत होती है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्लीप हाइजीन की कमी, स्लीप एपनिया या फिर इनसोम्निया वगैरह। इस स्थिति में इन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक करना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम उन प्रमुख कारणों के बारे में बता रहे हैं जिनके चलते सुबह उठने पर थकान महसूस होती है और साथ ही साथ इस समस्या का समाधान भी आपको बताया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि सुबह उठते ही थकान होने के क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों अगर रात को पूरी नींद लेने के बावजूद सुबह उठने पर थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है स्लीप इनर्शिया। तो दोस्तों आमतौर पर सुबह उठने के बाद आपका दिमाग तुरंत नहीं जागता है, ये धीरे धीरे पूरी तरह से एक्टिव होता है और इस प्रक्रिया के दौरान हम थोड़ी सी थकान और हल्की बेहोशी जैसा महसूस करते हैं। अगर इस दौरान हम अपने शरीर को एक्टिव ना करें तो हम फिर से सो सकते हैं और इसे ही स्लीप इनर्शिया कहा जाता है और आम भाषा में इसे नींद की जड़ता भी कहा जाता है। स्लीप इनर्शिया के चलते दिमाग की मोटर और कॉग्निटिव स्किल धीमी हो जाती है और यही कारण है कि जागने के ठीक बाद कभी कभी कुछ भी करना असंभव लगता है और ये स्थिति कुछ मिनटों से लेकर एक घंटे तक रह सकती है और आमतौर पर ये 15 से 60 मिनट के अंतर में सही हो जाती है। और ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब हम गहरी नींद से जागते हैं और इस स्थिति में हम कुछ ऐसा भी महसूस कर सकते हैं जैसे कि उनिंदापन, ध्यान लगाने में मुश्किल होना और कोई निर्णय लेने में असमर्थ होना। दूसरा है स्लीप हाइजीन में कमी। तो दोस्तों रात को अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन को जरूरी माना गया है और इससे व्यक्ति को आरामदायक नींद आती है। वही स्लीप हाइजीन की कमी नींद को खराब कर सकती है। स्लीप हाइजीन में कमी कुछ इस प्रकार से होती है, जैसे कि रात को सोने और सुबह उठने का समय तय ना होना, दिन में देर तक सोना, सोने से पहले फोन या कंप्यूटर देखना, सोते समय कमरे का तापमान सही ना होना, अधिक रोशनी और शोर होना, बिस्तर या फिर तकिए का सुविधाजनक न होना और स्लीप हाइजीन पर ध्यान न देने से नींद पर असर पड़ता है और सुबह उठने पर थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। उसके बाद एक कारण होता है दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर। तो दोस्तों कुछ लोग अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने और रात को पर्याप्त नींद लेने पर भी सुबह थका हुआ महसूस करते हैं और ये समस्या स्लीप डिसऑर्डर की ओर संकेत करती है और इसमें स्लीप एपनिया, इनसोम्निया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट सिंड्रोम और ब्रुक्सिज्म वगैरह शामिल है। अगर किसी को लगता है कि उसे इनमें से किसी भी तरह के स्लीप डिसऑर्डर के चलते ये समस्या हो रही है तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। उसके बाद एक होता है खराब लाइफस्टाइल। तो स्लीप हाइजीन के अलावा खराब लाइफस्टाइल और डाइट भी नींद को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि व्यायाम ना करना। तो नियमित व्यायाम करने से रात को अच्छी नींद आती है, लेकिन रात को सोने से पहले हैवी एक्सरसाइज करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ रात में अधिक पेशाब आना। तो रात को सोते हुए बार बार पेशाब आने से नींद खराब होती है और फिर से सोने में दिक्कत हो सकती है, तो इससे सुबह उठने पर सिर में भारीपन और थकान महसूस हो सकती है और इसीलिए शाम के बाद तरल पदार्थों का सेवन कम कर देना चाहिए। उसके बाद बात की जाए खराब डाइट की, तो रात को सोने से पहले वसा युक्त या मसालेदार भोजन करने से उसे पचाना मुश्किल हो जाता है और जिससे कि नींद आने में समय लगता है। नींद की मात्रा और गुणवत्ता दोनों प्रभावित हो सकती है। बात की जाए रात को कैफीन लेने की, तो कैफीन व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर सकता है। नतीजतन जो लोग चॉकलेट खाते हैं या सोने से पहले कैफीन युक्त पेय पदार्थ पीते हैं उन्हें नींद आने में परेशानी हो सकती है। और बात की जाए सोने से पहले शराब पीने की, तो रात को शराब पीने से स्लीप एपनिया की समस्या हो सकती है और नींद की गुणवत्ता खराब हो सकती है। दोस्तों उसके बाद एक और कारण होता है एनीमिया। तो शरीर में आयरन की कमी से होने से भी सुबह उठने के बाद दिन भर थकान महसूस हो सकती है और एनीमिया के लक्षणों की बात करें तो छाती में दर्द, ठंडे हाथ और पैर, चक्कर आना, त्वचा में पीलापन होना, सांस लेने में कठिनाई होना और कमजोरी होना। बात की जाए चिंता की, तो चिंता से ग्रस्त व्यक्ति की नींद भी प्रभावित हो सकती है और पूरे दिन चिंता में रहना थकान का कारण बन सकता है। चिंता के लक्षणों की बात करें तो बढ़ी हुई हार्ट की गति, पसीना आना, ध्यान लगाने में परेशानी होना और घबराहट, बेचैनी या डर महसूस करना। और इनके अलावा कुछ अन्य कारण भी है जो कि सुबह उठने पर थकान और कमजोरी का कारण बनते हैं, जैसे कि क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, डिप्रेशन, डायबिटीज़ और अंडर एक्टिव थायरॉयड। तो सो बात की जाए कि सुबह उठते ही जो थकान ये होती है इसका क्या इलाज है, तो इसका अलग अलग इलाज होता है। सबसे पहले बात की जाए स्लीप हाइजीन की, तो रात को सोने और सुबह उठने का समय तय करें और रोज़ उसे फॉलो करें। साथ ही सोने वाले कमरे को साफ रखें और सोते समय उसमें पूरा अंधेरा और शांति होनी चाहिए। साथ ही साथ बात की जाए गैजेट से दूरी, तो कोशिश करें कि रात को 8 बजे के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खास करके मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। कैफीन न लेने की बात करें तो रात को सोने से पहले कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। एक तो कैफीन से नींद नहीं आती और बार बार पेशाब भी आ सकता है।
साथ ही साथ शराब ना पिए। शराब को सेहत के लिए सबसे हानिकारक माना गया। इससे न सिर्फ नींद खराब होती है बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती है। बेहतर डाइजेशन की बात करें तो रात के समय पाचन संबंधी समस्याएं होने से ठीक तरह से नींद नहीं आती और इसीलिए रात को हल्का खाएं और साथ ही ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो कि पाचन तंत्र को खराब करते हैं। और बात की जाए नियमित व्यायाम की तो रोज सुबह 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज, योग या मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले किसी भी तरह की हैवी एक्सरसाइज ना करें, इसकी जगह हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। दोस्तों, रात को नींद से जुड़ी कोई भी समस्या अगली सुबह थकान और सिर में भारीपन का कारण बन सकती है और इसीलिए रात को पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। साथ ही उन सभी तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए जो कि रात में आपकी नींद को खराब कर सकती है। और इसके अलावा अच्छी डाइट और नियमित व्यायाम पर भी फोकस करने की जरूरत है। इससे रात को पर्याप्त और गहरी नींद जो है वो सोने में मदद मिल सकती है। और अगर फिर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्लिक सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।